नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं आपका दोस्त रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक की 10 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हां दोस्तों, फेसबुक तो सभी यूज़ करते हैं लेकिन फेसबुक के अंदर जो हिडन सीक्रेट सेटिंग्स हैं उनका मोस्टली यूजर्स को पता नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनके थ्रू आपका फेसबुक यूज़र एक्सपीरियंस और भी बेटर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं फेसबुक की इन 10 सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कई यूज़र्स दूसरे यूज़र्स की प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसका मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि फेक अकाउंट क्रिएट करके किसी दूसरे की प्रोफाइल पिक्चर को उसमें लगा लेते हैं या फिर कहीं पर भी किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। ऐसा दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है और उसे लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से अपने फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ये 3 डॉट्स देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नीचे की तरफ से कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन द प्रोफाइल पिक्चर गार्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर प्रोटेक्ट हो जाएगी, अब इसको कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा और ना ही स्क्रीनशॉट ले पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपकी प्रोफाइल पिक्चर पर इस तरह से ये शील्ड का आइकन लग जाएगा जिससे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर पर एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको डाउट है कि कहीं आपका फेसबुक अकाउंट हैक तो नहीं है तो इसका आप कंफर्म पता कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से ये टॉप राइट साइड में आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में आना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और सिक्योरिटी सेक्शन में आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से टॉप में ही आपको अपने फेसबुक अकाउंट की लॉगिन डिटेल पता चल जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वेयर यू आर लॉग्ड इन, यहाँ पर सी ऑल के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से वो सभी डिवाइसेस यहाँ पर आ जाएंगे जिन पर आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा, और यहाँ पर अगर आपको कोई अननोन डिवाइस शो होता है तो उसे आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। इसके लिए आपको सिंपली इस तरह से उस डिवाइस के सामने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नीचे की ओर से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आप लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उस डिवाइस से लॉग आउट कर सकते हैं, या फिर बेटर होगा कि आप इस तरह से बॉटम साइड में लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके सभी डिवाइसेस से लॉग आउट कर लीजिए और दोबारा से फेसबुक में लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। दोस्तों, हम जाने अनजाने में कई ऐप्स या फिर वेबसाइट में फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं जिससे कि इन एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स को हमारे फेसबुक का एक्सेस मिल जाता है और वो हमारे फेसबुक डेटा का मिसयूज़ भी कर सकती हैं या फिर अकाउंट हैक होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स या फिर ऐप्स हैं जिनमें आपने फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया है इसका आपको पता होना चाहिए, और जो आपकी ट्रस्टेड ऐप्स नहीं हैं उन्हें आपको रिमूव कर देना चाहिए। अब अगर आपको पता करना है कि आपने फेसबुक के थ्रू किन किन वेबसाइट या फिर ऐप्स में लॉगिन किया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टॉप राइट साइड में 3 लाइंस पर क्लिक करना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी में सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं ऐप्स एंड वेबसाइट्स, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको लॉग इन विद फेसबुक के सामने इस एडिट के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी ऐप्स और वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पर आपका फेसबुक के थ्रू लॉगिन होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ब्लैंक शो कर रहा है, मैंने किसी भी ऐप या वेबसाइट में फेसबुक के थ्रू लॉगिन नहीं किया है। अगर आपने किया होगा तो आपको वो सभी ऐप्स यहाँ पर शो हो जाएंगी और उनमें जो आपकी ट्रस्टेड ऐप्स नहीं होंगी उन्हें आप क्लिक करके रिमूव कर दीजिए। दोस्तों, फेसबुक पर आप गेम भी खेल सकते हैं, वो भी किसी तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए बिना। इसके लिए यहाँ पर आपको टॉप राइट साइड में ये 3 लाइंस पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आप गेम्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग गेम्स ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी एक गेम चूज़ करके उसे प्ले कर सकते हो।
गेम खेलने के लिए आपको सिंपली इस तरह से प्ले के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से गेम लोड होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में इस तरह से गेम कम्प्लीटली लोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्ले नाउ के इस बटन पर क्लिक करके गेम खेल सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर और भी कई अलग अलग तरह के गेम खेल सकते हैं। दोस्तों अक्सर कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनकी फेसबुक पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स कम आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। ऐसे में अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स सुधार सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको टॉप राइट साइड में थ्री लाइंस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और प्राइवेसी सेक्शन में आपको पब्लिक पोस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग सेटिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन में पब्लिक को सिलेक्ट करना है और इसी तरह से आपको इन सभी ऑप्शन में पब्लिक को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी फेसबुक पोस्ट पूरी तरह से विजिबल हो जाएगी और जिन फ्रेंड्स को शो नहीं होती थी उनको भी शो होने लग जाएगी। इसके बाद आपकी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स भी आने लग जाएंगी। अब जो नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इसके थ्रू आप अपने अदर सोशल प्लेटफॉर्म को फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर यूट्यूबर हैं तो आप अपनी वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल को फेसबुक पर प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपने प्रोफाइल एडिटर पेज में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में आना है और लिंक्स के इस ऑप्शन के सामने आपको एडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अदर सोशल लिंक्स या फिर वेबसाइट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने पहले से इसमें अपना इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब लिंक्स के साथ साथ अपनी वेबसाइट भी ऐड की हुई है। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर ऐड सोशल लिंक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करके आपको अकाउंट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसके सामने आपको अपनी यूज़र आईडी या फिर लिंक ऐड करना है। इसी तरह से आप यहां पर ऐड वेबसाइट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से वेबसाइट एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको इस तरह से अपनी वेबसाइट एंटर करनी है और फाइनली बॉटम साइड में सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपके सोशल प्रोफाइल पर अदर सोशल साइट्स भी ऐड हो जाएंगी। अब कोई भी आपकी प्रोफाइल को ओपन करेगा तो वो आपकी इन अदर साइट्स के लिंक भी देख सकता है और उन पर क्लिक करके उन साइट्स पर पहुंच सकता है। दोस्तों फेसबुक ब्राउजिंग करते टाइम आपके सामने अलग अलग यूजर्स की फोटोज, वीडियोस या फिर मैसेजेस आते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई फोटो या वीडियो पसंद आती है तो आप उसे बाद में फुर्सत में देखने या पढ़ने के लिए सेव कर सकते हैं, उसे बुकमार्क कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से किसी भी पोस्ट के टॉप राइट कॉर्नर पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको सेव वीडियो का ऑप्शन शो होगा अगर इस पोस्ट में कोई वीडियो है तो। अब इस वीडियो को बुकमार्क करने के लिए आपको सेव वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ और ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको फोर लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप यहाँ पर किसी फोटो को भी बुकमार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको सेव पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको फोर लेटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फोटो भी बुकमार्क हो जाएगी। अब दोस्तों ये कहाँ पर सेव होंगी और कैसे आप इन्हें देख सकते हैं, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इन बुकमार्क फोटो या वीडियोस को देखने के लिए आपको सिंपली टॉप राइट साइड में थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आप सेव्ड का ये ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी बुकमार्क की गई सभी पोस्ट आ जाएंगी। अब आप इन्हें कभी भी और कहीं पर भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने प्रोफाइल विजिटर्स को अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल में कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से अपने प्रोफाइल को ओपन करना है और यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप म्यूज़िक का ये ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से फेसबुक पर सेलेक्ट किया गया आपका फेवरेट सॉन्ग आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर और भी पॉपुलर सॉन्ग ऐड करना है तो प्लस के इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने अलग अलग सॉन्ग्स की एक लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप किसी भी सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से ऐड के इस बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी फेवरेट लिस्ट में सॉन्ग ऐड हो जाएगा।
अब आप जिस सॉन्ग को अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हैं उसके सामने आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, जिसके बाद नीचे से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको पिन टू प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी प्रोफाइल में आपका फेवरेट सॉन्ग इस तरह से ऐड हो जाएगा। आप कोई भी आपकी प्रोफाइल को ओपन करेगा तो इस गाने पर क्लिक करके इस तरह से वो इसे सुन सकता है। दोस्तों, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलोअर बटन ऐड करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से टॉप राइट साइड में थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, इसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में सेटिंग्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग पेज में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और प्राइवेसी सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्राइवेसी सेक्शन में ही आपको पब्लिक पोस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इन सभी ऑप्शंस में आपको पब्लिक ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद वापस आप अपने प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर आप फॉलोड बाय का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आपके टोटल फॉलोवर्स शो होंगे। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स के अलावा कोई भी अननोन पर्सन आपके प्रोफाइल को ओपन करेगा और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहेगा तो वो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर फॉलो का ऑप्शन शो होगा, तो उस पर क्लिक करके वो आपको फॉलो कर सकता है। ऐसा करने से आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। इतने में भी अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल में फॉलोअर बटन नहीं आता है तो आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो ऑप्शन आएंगे इनमें आपको एडिट प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और डिटेल्स का ये ऑप्शन देखते हैं। इसके सामने आपको एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको फॉलोअर्स सेक्शन में फॉलोड बाय के इस चेकबॉक्स पर टिक कर देना है और फाइनली बॉटम साइड में सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी प्रोफाइल पर फॉलोअर बटन ऐड हो जाएगा और जब भी कोई अननोन यूजर आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा उसे फॉलो बटन शो होगा, जिस पर क्लिक करके वो आपको फॉलो कर सकता है। अब जो लास्ट ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको टॉप राइट साइड में थ्री लाइंस पर क्लिक करके बॉटम साइड में आना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, तो यहाँ पर आपको योर टाइम ऑन फेसबुक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपके लास्ट 7 डे का फेसबुक टाइम का ग्राफ शो हो जाएगा, यानी कि लास्ट 7 डे में आपने पर डे जितना टाइम फेसबुक पर स्पेंड किया है उसका ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आज मैंने 55 मिनट्स फेसबुक यूज़ किया, कल 41 मिनट्स। इसी तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट पर पूरे हफ्ते स्पेंड टाइम को चेक कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप सेट डेली टाइम रिमाइंडर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से रिमाइंडर टाइम सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप 5 मिनट से लेकर 24 घंटे का टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 घंटे का टाइम सेट कर देता हूँ। इसी तरह से आपको टाइम सेट करना है और बॉटम साइड में सेट रिमाइंडर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके फेसबुक अकाउंट पर रिमाइंडर लग जाएगा और अब आप अपना फेसबुक ओपन करके उसे यूज़ करेंगे तो आपके सेट किए रिमाइंडर के अकॉर्डिंग उतने टाइम पर आपको एक नोटिस मिल जाएगा कि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब आप कैंसिल करके कंटिन्यू अपने फेसबुक को ब्राउज कर सकते हैं या फिर फेसबुक को बंद भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको फेसबुक की ये 10 अल्टीमेट सेटिंग्स एंड ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।